देश दुनिया कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रही है। इसके साथ साथ अलग अलग वेरिएंट से भी काफी परेशान है। अलग अलग देशों में कोरोना के कई वेरिएंट सामने आ रहे हैं जो चिंता बढ़ाने वाले हैं। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह से कोरोना अपना रूप बदल रहा है उससे अब भी दुनिया के वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे कि आखिर जो वैक्सीन आ चुकी है वो कोरोना के हर वेरिएंट पर कारगर है। और ये अभी सोचा ही जा रहा था कि वैज्ञानिक ऐसी वैक्सीन बनाने पर काम करना शुरू करने जा रहे हैं जो हर तरह के वेरिएंट पर कारगर साबित होगी, साथ ही भविष्य में आने वाली ऐसी किसी महामारी को रोकने में मदद करेगी। कुछ खबरों की माने तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसी वैक्सीन बनाई है जो कोविड-19 के अलावा कोरोना वायरस के अन्य सभी वेरिएंट पर असर करती है। वैज्ञानिकों द्वारा अभी इसका ट्रायल चूहों पर किया गया। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अभी से ही इस पर रिसर्च शुरू कर दी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक किसी को पता नहीं है कि कौन सा वायरस अगली महामारी को पैदा कर दे, ऐसे में अभी से ही हर तरह की तैयारी करनी होगी। स्टडी में इसे सेकेंड जनरेशन वैक्सीन बताया गया है जो सार्बे कोवायरसेस पर हमला करती है। सार्बे कोवायरसेस कोरोना वायरस फैमिली का ही हिस्सा है। इसी फैमिली के दो वेरिएंट ने पिछले दो दशकों में तबाही मचाई, पहले सार्स और फिर कोविड-19। चूहों पर जब इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया तब वैक्सीन ने कई ऐसे एंटीबॉडी डेवलप किए जो कई स्पाइक प्रोटीन का सामना कर सकती हैं। इस वैक्सीन में किसी तरह के आउटब्रेक को रोकने की ताकत होगी। जिन चूहों का ट्रायल के दौरान इस्तेमाल किया गया वो सार्स, कोविड-19 और कोरोना के अन्य वेरिएंट से पीड़ित थे। अभी इसमें टेस्टिंग जारी है और सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल मनुष्यों पर ट्रायल शुरू हो सकता है। रिसर्चर्स का कहना है कि हमारा प्लान अभी काम कर रहा है, अगर ये सही चला तो हम यूनिवर्सल वैक्सीन को बना सकते हैं और ये कोरोना फैमिली की तीसरी महामारी से पहले दुनिया में आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।